गुड मॉर्निंग सर। डियर चिल्ड्रन, लेट अस बिगिन विद एक्सपेरिमेंट। आज जो लैब में एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट करने वाले हैं, आप तीन बंदी इधर से खुल गई, आप तीन बंदी ये भी कर लिए। आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कितने बैठे थे आज? 20 बस ये पता करने के चक्कर में रह जाएंगे हम। A beaker and a supreme balance, beaker and supreme balance. बच्चों इससे पहले कि हम डेंसिटी को फाइंड आउट करें, हमें पता होना जरूरी है कि डेंसिटी बोलते किसको है, डेंसिटी का सिंबल क्या है, और डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालने के लिए हमें कौन कौन सी और फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है। तो डेंसिटी में नहीं, जैसे आप लोग ऑलरेडी बता रहे हो, डेंसिटी जो है this is equal to mass of the object divided by the volume of the object. So mass of the object ऐसे सिस्टम में हम बेटी किलोग्राम्स में सही किया करते हैं। तो आपका जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट का, it will be having the units mass का किलोग्राम, वॉल्यूम का बेटा मीटर क्यूब आ जाएगा, और डेंसिटी के यूनिट्स आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर आ जाए एसआई सिस्टम में। और लेकिन हमेशा याद रखिए, हमारे पास अब ये बीकर छोटे साइज का है, छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा, इसका मास हम किलोग्राम में तो नहीं मेजर करने वाले, इधर भी एक किलो सर एक ऑफ ग्राम से कम। तो अगर आप ग्राम से करोगे तो ये भी फिर आपको सेंटीमीटर नहीं करना चाहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर यहाँ पे प्रॉब्लम यूज करेंगे डेंसिटी में। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि मास हम कैसे निकाल सकते हैं। डिलन नेम का डिवाइस यूज टू मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिवाइस यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटा बैठिए। हाँ जी दिया, फिजिकल बैलेंस। लेकिन यहाँ पे हम बेटा सुप्रीम बैलेंस को यूज कर रहे हैं, फिजिकल बैलेंस दो पड़े हैं। ये डिवाइस आपका सुप्रीम बैलेंस है। सुप्रीम बैलेंस पे दो स्केल है, एक तरफ लीटर लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है ग्राम। अगर आप न्यूटन वाला स्केल पढ़ोगे तो न्यूटन वाला स्केल जो है ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आप वेट की बात कर रहे हो, फोर्स की बात कर रहे हो, हमने वो नहीं पढ़ा, हमने मास वाली तरफ जो है स्केल वहां से इंडिकेट की। और इसके बाद बेटे आपको अगर मास पता चल जाएगा अपने ऑब्जेक्ट का तो वॉल्यूम आप इजी निकालोगे। अब देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट इररेगुलर शेप का है, जैसे और का पीस है, इसका वॉल्यूम निकालना जो है अदरवाइज काफी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ना तो ये ट्रायंगल की शेप में है, ना स्फीयर की शेप में है, ना ही ये आपके सिलेंडर की शेप में है। तो ऐसे केसेस में जब आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप विद हेल्प ऑफ बीकर आर की प्रिंसिपल यूज करके इसको वॉल्यूम को निकाल पाएंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे कर सकते हैं।
पहली प्लेस में मास ऑफ दिस कॉर्न होनी चाहिए। ये मैं आपको रिफर करके दिखाती हूँ, फिर आप ये आपका स्केल जीरो पे जीरो मार्क पे है। आपने इसके लोअर एंड पर इसका बुक में इसको सस्पेंड किया और जब आप इसको सस्पेंड करोगे तो आपका ये देखना जरा 40 का इंडिकेट कर रहा है। पकड़ के देखिए, पकड़ लीजिए आपका हाथ मास को नहीं टच कर रहा है, ऊपर से लगो इसको ये ऐसे जैसे दिया लग रहा है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे रिक्वायर कितना है, मास ऑफ द कॉर्न कितना है, आप एक बार मास पे शामिल करके देखना, कोई बात नहीं। वैसे भी आप एक बार मास देखो 40 ग्राम है, ग्राम भी देखो ना, ग्राम लिखा हुआ है साइड में, राइट। आप जो लास्ट करते बैठे थे आपको आपका पास इतनी से कम है ना, इतनी ऊपर का मतलब है कॉपी पे करना। आपका जीरो से लेकर 50 के बीच में ये 5 डिजिट है, 5 ये लाइन लगी हुई है, 4 नहीं थर्ड लाइन पे ये 30 ग्राम इंडिकेट कर रहा है, 40 नहीं है, ध्यान से देखिए जरा, 30 है 40 है, 40 है ना आपका जो मैं ये कह रहा हूँ, इसकी ये वाली तो बीच में बनाई है, तीसरे डिवीजन पे ना एक डिवीजन 10 ग्राम को इंडिकेट कर रहा है और एक डिवीजन 10 प्लस 10 प्लस 30 की 30 ग्राम इंडिकेट कर रहा है ना, तो रियल चिल्ड्रन भी आपका ये आपका 30 ग्राम का इसका मास है, फिर वापसी की जाती है। हम सारे स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें कहता है कि जितना भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवर्स करते हो उसके वॉल्यूम के बराबर ही उसका वॉल्यूम स्पेस होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जब किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हो पार्शियली या कंप्लीटली तो उसके इमर्स पार्ट के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का वॉल्यूम बाहर निकल जाता है, लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, आप एक मग ले लीजिए पानी का, पानी मग है, आप मग के पानी की बोतल की उसके मग को ढक करके देखिए पानी का लेवल ऊपर आ रहा है, तो दैट इंडिकेट्स कि जितना वॉल्यूम उसका मग का है आपके बच्चे पूरे का पानी डिस्प्लेस कर देगा, बहाव हो जाएगा निकलता है। अब ये आपके पास ओवर फ्लो वेसल है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इस लेवल की सर्फिस पे रख रहा हूँ और इसका आउटलेट आप अंदर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इसमें एडिशनल पानी डाल दिया, पानी बाहर आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि जितना इसका ओवरफ्लो लेवल तक पानी का लेवल है वो बाहर निकल गया, अब बाकी और भी लेना अब
अगर मैं इसको इसके अंदर डिप करूंगा इसके अंदर, तो इसके वॉल्यूम के बराबर पानी का वॉल्यूम कहाँ निकल जाएगा, वो पानी मैं इसमें कलेक्ट कर लूंगा, उस पानी के वॉल्यूम को तो मैं पानी की डेंसिटी कितनी होती है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर लिटर पर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने ओवर टू वेसल के बिल्कुल नीचे ऐसे रख दिया, एडजस्ट कर दिया, देखते हैं कितना पानी कलेक्ट होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखा दूंगा प्रूफ करके कि जब आप इसको पानी में डिप करते हो देयर इज लॉस इन द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आल्सो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि देयर इज ऑलवेज द लॉस इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन यू डिप इट इन वाटर। इसको मैं डिप करने जा रहा हूं बेटा पानी में, तो ये लीजिए डिप किया, जरा इसको पकड़ लो करके बाहर पानी में दिए, और रीडिंग आप देखिए मुझे बताइएगा ये पानी में चला गया, पानी में स्पेस कितना होना था हो गया, बाहर निकल गया पानी में का ओवरफ्लो वेसल की हेल्प के साथ। अब जरा बताइएगा रीडिंग कितनी आ रही है इसके ऊपर बास की, मास टेन ग्राम आपकी स्केल इंडिकेट कर रही है, राइट? इट मींस कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स कर देते हो देयर इज लॉस इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड योर वेट लॉस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड बीइंग डिस्प्लेस्ड। अभी हमें इस लिक्विड हमने बच्चों को कलेक्ट कर लिया है, इसका वेट हमें चाहिए। आप देखिए ये आपका 20 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर पानी हमने इसमें इकट्ठा किया है। इट विल मीन दैट कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आपके पास 20 सीसी है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस this is equal to 20 centimeter cube या 20 cubic centimeter भी आप लिख सकते हो, cc में भी लिख सकते हो। अब बच्चों हमें density निकालने के लिए बेटा ये mass of the column पता चल गया और volume of the column इस liquid के volume से हमें अंदाजा हो गया। density हमारी जो है बेटा density of the cone that is equal to mass that is 30 gram divided by volume 20 centimeter cube. So ये zero आपका भी cancel out हो गया and you will get V by 2 या 1.5 gram per centimeter cube. Right? Activity तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। थोड़ा सा और आपको मैं गाइड कर दूं, आप आज मैं ले आए और भी आपको समझा दूं। अगर हमें वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालना पड़ जाए, ये तो वॉल्यूम आया है ना, अब मैं डिफरेंट ब्लॉक से कर देता हूं ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मैं डब्ल्यू वन लिख लेता हूँ, इसको आप लिख लेना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड पूरा लिख लेना आप। इट विल बी इक्वल टू बेटा यहां से देखिए मास आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई करके डेंसिटी रो से डिवाइड करते हैं हम इसका वाला की वो भी कर ले। और बेटी वेट और मास में क्या फर्क है, वेरी नाइस वेरी नाइस, आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया ये मास आ गया, मास को आपने जी से मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया वेट। सो इट विल मीन दैट वॉल्यूम आपके पास 20 था, ग्राम की बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की ना, जी का रो आपका कितना था बेटा डेंसिटी 1.5 या 3 / 2 कह लें जी या 30 / 20 कह सकते हैं, 20 मास बेटर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर में 9 आ जाएगा
तो ये 20 से 20 आपका कट गया राइट बेटा, तो ये आपके पास के जो फर्दर को कैलकुलेशन है वॉल्यूम डेंसिटी जी, यहाँ से आपको बेटे जो है आपका यहाँ पर अमाउंट ऑफ द लिक्विड स्पेस वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस मिल जाएगा, लेकिन ये ग्राम से होगा, उसको फिर हम किलोग्राम में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको इंडिकेट कर रहा था कि जितना भी लॉस है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट में, आपने इसको डिप किया इस कॉर्ड को इसमें, इसका आपका वेट पहले कितना आ रहा था तो मास का, मास को ई से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आपने, नहीं ना क्या आपका वेट आ जाएगा डब्ल्यू वेट आपके पास आ जाएगा 34980 से मल्टीप्लाई किया ये आपके पास बन गया 29400 ग्राम, नहीं डाइंस डाइंस में बिकॉज ये आपका ग्राम में था, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में था इतना आ गया। अब आपने जब इसको डिप किया तो लिक्विड का वेट जो आपका डिस्प्लेस हुआ है, जितना भी लिक्विड बाहर निकल गया उसका वॉल्यूम आपका 20 आया था बेटा, उसके अकॉर्डिंग में इसका वेट भी निकाल लिया और इनका दोनों का डिस्टेंस आपका जितना भी आ रहा है उसका रीडिंग दैट विल गिव यू द लॉस राइट बेटा, लॉस इन द वेट। एक बार फिर से समझिए गाइस, मां सारे स्टूडेंट्स का एक बार सारा ही हमारा देखिए अलग अलग होता है। हमने सबसे पहले स्टेप में जो हमारा एक्टिविटी है पहले उसकी बात कर लें, और हमने कुछ नहीं कर। अब आप अगर वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस निकालना चाहें तो इसका वॉल्यूम देखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूम, आप इस वॉल्यूम को पानी की डेंसिटी के साथ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एससीजीएस यूनिट में, और 1000 और इसकी जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है एसआई सिस्टम। इसके वॉल्यूम को जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है आप इसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको मास मिल जाएगा, मास को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको वेट मिल जाएगा, तो आप इस तरीके से वेट निकाल सकते हैं अगर आपको पड़े तो। अब बिफोर आप इसको करके देखो मैं थोड़ा आपको बता दूं क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिकल की पॉइंट पर लिखना क्या है कैसे लिखना, तो एक दो मिनट की देखिए जरा होगी आई होगी आपने नोट कर लिया होगा जरा सही पसंद दिक्कत तो नहीं। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। आइए थोड़ा आपको बता दूं आप अपनी प्रैक्टिकल पाइप पे कैसे लिखोगे, लेट अस कंसंट्रेट अबाउट दिस पार्ट। आपको आपकी प्रैक्टिकल की पाइप पर आपके पास दो टाइप के पेज रहते हैं, एक साइड आपका वाइट होता है जिसपे लाइन नहीं लगी थी और दूसरी साइड पे आपकी लाइन लगी होती है। जो आपका वाइट साइड है इससे आपको क्या क्या लिखना है इसका पहले, और इसका पहले लिखो लाइन वाली साइड पर एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, ये जो आपने ऊपर लिखा है वो लिख दो के साथ। देन सेकंड आपके पास आ जाएगा ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, आपको कौन सी चीज चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, आपको क्या चाहिए था सुप्रीम बैलेंस, आपको इसको क्या कहते हैं इट इज कॉल्ड ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जिसके ऊपर ये डिवीजन लगी होती है इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं, या ग्रेजुएटेड सिलेंडर को पीपल भी कहते हैं। सिलेंडर व्हाट इज दिस द प्रोड्यूसर ओवर फ्लो वेसल वेरी नाइस एंड दिस इज द कॉल, तो ये चीजें आप लिखोगे पानी भूल गया पानी भी चाहिए है ना। देन आपके पास आ जाएगा
आपने कैसे कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, आप लिखोगे नंबर वन टेक वन ओवर दो पेंसिल आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा कि आपका बच्चों प्रोसीजर हो गया राइट। और ध्यान दीजिएगा लास्ट हमारा स्टेप है प्रिकॉशन हमने क्या लिए प्रिकॉशन में आप लिखोगे पानी ज्यादा आपने गिराना नहीं है और दूसरी बात आप आपका जो स्केल है इसको बेटा प्रॉपरली रीड करेंगे, सीधा देख के रीड करेंगे, अगर ऊपर है तो ज्यादा नीचे है तो उसकी रीडिंग आपको करनी है, रीड द स्केल प्रॉपरली एंड डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट और डू नॉट स्पिल वाटर इन द लैबोरेटरी वाइल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट राइट। तो ये दो चीजें हैं और तीसरी बात dip the given object completely in water, ऐसा ना कि आधा ऊपर ही रह जाए आधा अंदर चल जाए फिर पास नहीं right। dip the object completely in the water in the beaker precautions pipes आपके क्या लिखोगे experiment का नाम Listen.
आपको एक आधी इंटीग्रेटेड का रेट देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत देखना चाहती है तो थैंक यू बेटा।